देश के पहाड़ी इलाकों में हुई बारिश ने भारी तबाही मचाई हुई है। हिमाचल प्रदेश से भी एक ऐसी ही तस्वीर सामने आई है जिसमें यहां के मंत्री जोखिम उठाकर उफनते नाले को पार करते नजर आ रहे हैं। दरअसल हिमाचल के तकनीकी शिक्षा एवं जनजातीय विकास मंत्री डॉक्टर रामलाल मारकंड उदयपुर में स्थित शाशा पुल के पास शाशा नाले को सीढ़ी के सहारे नाले को पार करते नजर आए। दरअसल बाढ़ की वजह से केलंग उदयपुर सड़क पर शाशा नाले पर बना पुल टूट चुका था। पुल के टूटने की वजह से शाशा फूड़ा जहलमा से उदयपुर की तरफ करीब 150 लोग फंसे हुए थे। इन सभी लोगों को रेस्क्यू किया गया, लेकिन इस पूरे ऑपरेशन की निगरानी की खुद हिमाचल प्रदेश के मंत्री डॉक्टर रामलाल मारकंड ने। वो मौके पर पहुंचे, बचाव कार्य में तैनात पुलिस होमगार्ड और अग्निशमन के जवानों से बातचीत की और फिर उस उफनते नाले को जोखिम के साथ पार किया। आप वीडियो में देख सकते हैं कि बचाव कार्य के दौरान नाले को पार करने के लिए सीढ़ी रखी गई थी। इसी सीढ़ी पर चलकर कई लोग इस पार से उस पार हो रहे थे। पूरे अभियान को खत्म करने के बाद हिमाचल प्रदेश के मंत्री ने भी इसी सीढ़ी पर चलकर ये पुल पार किया। सीढ़ी के जरिए नाले को पार करते हिमाचल प्रदेश के मंत्री का जो वीडियो वायरल हुआ है उसमें देखा जा सकता है कि नाला उफान पर है और मंत्री रामलाल मारकंड जान हथेली पर रखकर सीढ़ी तक पहुँचते हैं। रामलाल मारकंड के शरीर पर एक रस्सी बंधी हुई है और वो सीढ़ी पर बैठ बैठ कर इसे पार कर रहे हैं। आप देख सकते हैं कि कुछ पुलिसकर्मी और राहत तथा बचाव दल के लोग भी नजर आ रहे हैं। आपको बता दें कि हिमाचल प्रदेश के लाहौल स्पीति के तेजिंग नाले में बाढ़ आने से 10 लोग बह गए। इसमें 7 शव बरामद हुए हैं, वहीं 3 अभी भी लापता है। चंबा में एक व्यक्ति की मौत भी हो चुकी है। वहीं मंत्री जी का यह वीडियो सोशल मीडिया पर जमकर वायरल हो रहा है कि किस तरह से वो जान हथेली पर रखकर इस उफनते नाले को पार कर रहे हैं। तो आप भी इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर कीजिए और जुड़े रहिए हेडलाइंस इंडिया के साथ।